कहता हम लोगों के पास दो वेक्टर है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, सच दैट एंगल बिटवीन द डैम। अब ये एंगल बिटवीन द डैम, ये इससे कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ए प्लस बी का मॉड दिया है यार, ए प्लस बी का मॉड दिया है, समझ रहे ना, और ए माइनस बी का मॉड है, मॉड मतलब इनका मैग्नीच्यूड है भाई, तो ये मैग्नीच्यूड है, मैग्नीच्यूड तो मैग्नीच्यूड लिख दो, फार्मूला रटा रटा आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। तो रूट, जब रूट दोनों है हट गया, ए ने एन एक ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो यह आ जाएगा फोर ए बी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का प्रोडक्ट कैन नॉट बी जीरो, नल वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू ही जीरो होती है, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही है।